नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लगातार बारिश से हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जल जमाव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। जल जमाव के कारण दोपहिया वाहन चालकों, पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली, मथुरा, गाजियाबाद और नोएडा, दिल्ली के हाल कितने खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से, आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यही हाल मथुरा का भी है, यही हाल गाजियाबाद का और यही हाल नोएडा का है। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं जिनमें पानी जम गया है। आवागमन में खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश और की वजह से शहर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चार तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में बारिश की वजह से किस तरह से त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। गाड़ियां पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही हैं। कहां सड़कें हैं और कहां तालाब है ये पता कर पाना मुश्किल है। मथुरा में भी ऐसे ही हालात हैं। गाजियाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। नोएडा में भी घुटनों तक पानी भर चुका है। लोग लगातार इसी पानी में से गुजरने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली वासियों को जगह जगह ट्रैफिक मिल रहा है। ऐसे में उनका पूरा जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में ही बर्बाद हो रहा है। और मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल दिल्ली की, क्योंकि अब बारिश थम चुकी है, कैसे हालात हैं? मैं आपको बता दूं, इस टाइम मैं मुगरबा चौक के ऊपर खड़ा हूं। दिल्ली के अंदर जो सबसे व्यस्त चौक है, इसके अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ से जो रोड है वो आजादपुर मंडी की तरफ जाता है। जो आजादपुर मंडी का जो एरिया है वो इस टाइम जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न चुकी हो चुकी है। 3 से 4 किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो लगातार हो चुका है। और अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश बेशक थमी है, मगर हल्की बूंदाबांदी जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे शुरू हो चुकी है दोबारा। और जाम की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि डीटीसी बसें और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से, जाम की वजह से। हर साल करोड़ों रुपए का बजट जो है दिल्ली नगर निगम जारी करता है ये साफ सफाई के लिए, ड्रेन सिस्टम के लिए, मगर अगर देखा जाए तो साल वही जाम की स्थिति, वही जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो करोड़ों रुपए का जो बजट ये एमसीडी के अंदर जारी किया जाता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने का विषय जरूर है कि वो करोड़ों रुपया कहाँ खर्च होता है, कहाँ ये करोड़ों रुपया लगा जाता है ताकि इसको थोड़ा सुधारा जा सके। और जाम की स्थिति और वही हर साल वही चीज। देखिए नीरज, अगर देखा जाए तो जब भी आवाज उठाई जाती है कि जो बजट पास होता है सड़कें बनाने के लिए, ड्रेनेज के लिए, वो कहाँ जाता है, जब ये सवाल किए जाते हैं तब काम करवाया जाता है, ये कहा जाता है कि सड़कों पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, तस्वीरें आती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तस्वीरें नहीं आती, काम करवाने की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो जो नई सड़कें बनाई जाती हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं और बरसात के समय में फिर वहां से पानी की निकासी नहीं हो पाती। इस तरह की समस्या मैं ये नहीं कह रही कि दिल्ली के किसी भी जगह नहीं है, मैं तो ये कह रही हूं कि दिल्ली के हर जगह इस तरह की समस्या लगातार हर साल लोगों को देखने के लिए मिलती है। क्या राहत मिल सकती है दिल्ली वासियों को इन समस्याओं से? मैं आपको बता दूं कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति नहीं कहेंगे इसको, लगातार कई सालों की जो स्थिति है वो बनती आ रही है। और एमसीडी के अंदर बाहर अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में 15 साल से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो लगातार काम कर रही है, कार्य कर रही है, मगर अगर बीजेपी की बात की जाए तो 15 साल से जो निगम के अंदर पैसा रिलीज होता है नई सड़क बनाने के लिए, पुरानी सड़क को रिपेयर करने के लिए, वो एक अपने आप में संशय का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का ड्रेन सिस्टम है उसको सुचारू रूप से नहीं ठीक किया गया है और हर साल जब भी मानसून आता है यहाँ पर स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। बिल्कुल नीरज, और एक बड़ी संख्या में, अगर मैं बात करूं, एक बड़ी संख्या में दिल्लीवासी जो हैं नोएडा में नौकरी करने के लिए आते हैं। ऐसे में बहुत सारे रास्ते हैं नोएडा आने के, लेकिन उन रास्तों में कहीं अंडरपास में पानी भर जाता है, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर मैं डीएनडी की बात करूं तो वो पूरी तरह से ट्रैफिक से भर जाता है, पूरा डीएनडी। तो ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या अब कुछ राहत लोगों को मिल पाई है? क्या जाम की स्थिति कुछ कम हुई है?
नहीं, मैं आपको बता दूं अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। और अगर डीएनडी की बात की जाए तो डीएनडी एक व्यस्त जो रोड है जिससे दिल्ली से नोएडा की तरफ एंट्री की जाती है, वहां पर भी अभी भी जो लगातार जाम की स्थिति जो है वहां बनी हुई है और बारिश जो है फिर दोबारा शुरू हो गई है। और अगर यही हाल रहता रहा तो अभी जो जाम है वो एक घंटे का जो है सफर लोग तय कर पा रहे हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी या सिस्टम ऐसा ही फेल होता रहा तो जो जाम की स्थिति है वो काफी लंबी बन जाएगी, जिससे काफी लोगों को नोएडा या दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से हरियाणा जाने में, गुड़गांव जाने में, फरीदाबाद जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। चार तस्वीरें आपकी प्रेजेंट स्क्रीन पर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कमर तक लोग निकल रहे हैं इस पानी में, क्योंकि मजबूर हैं, कमर तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां जो हैं, चाहे वो चार पहिया वाहन हो या दोपहिया वाहन हो, सभी पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ऐसे में लोग धक्के मारते हुए नजर आते हैं। मथुरा में एक गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग पानी के अंदर घुस के गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है वो असफल नजर आ रही है। गाजियाबाद में टैक्सी खराब हो रही है, जगह जगह पर भीड़ है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब बन रही हैं। नोएडा में भी इस तरह के हालात हैं, लोग पैदल ही इस पानी में उतरकर अपना रास्ता पूरी तरह से कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चार तस्वीरें, ये हालात हैं सिर्फ कुछ घंटों की बारिश के बाद। अगर यहाँ पर और मौसम खराब होता है, जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन तक बारिश हो सकती है, अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर का कितना बुरा हाल हो सकता है। और मथुरा से मेरे सहयोगी सुरेश सैनी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश, मथुरा में किस तरह के हालात हैं बारिश के बाद? जी मैं आपको बता दूं, मथुरा में जिस तरह से कल शाम से जो बारिश लगातार हुई है उसने काफी दयनीय, मतलब इस तरह से कहें तो पूरे मथुरा को सिर्फ पानी ही पानी कर दिया, चारों तरफ पानी ही पानी सड़कों पर हिलोरे मारता हुआ नजर आ रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे कई कई फीट जो है पानी सड़कों पर भर गया है और जिसमें लोग फंस गए हैं। इसी के साथ साथ एक श्रद्धालु की जिस तरह से एक गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि वह जो टाटा सुमो है कई फीट पानी गहरे में जो फंस गई है और उसमें जो श्रद्धालु जो कि रायगढ़ मध्य प्रदेश के थे जी। उनको उनकी गाड़ी फंस गई और जिनमें लगभग 8 लोग थे, 4 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे, उनकी जीवन भी बड़ी मुश्किल से बचा। जिस तरह से गहरे पानी में वो लोग गाड़ी चली गई, गाड़ी जाने के बाद जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चला तो उन्होंने बमुश्किल उनकी जान बचाई, लेकिन गाड़ी को वो नहीं निकाल पाए, गाड़ी जो है पूरी तरह से पानी में डूब गई और उसका जिसका कि एक वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें आप साफ देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मथुरा के भी हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी हालात बदतर हैं और ग्रामीण इलाकों में जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। ऐसे में लगातार बारिश की वजह से आम लोग जो हैं वो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। ऑफिस के लिए निकलते हैं तो समय पर नहीं पहुंच पाते, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और अगर किसी काम से निकल रहे हैं तो भी इस तरह की दुविधाएं उनके सामने बनी रहती है। चार तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, और लगातार हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि सिर्फ महज कुछ ही घंटों की बारिश के बाद हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कमर तक या घुटनों तक हर जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियां खराब हो रही हैं लोगों की क्योंकि पानी इतना ज्यादा है जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। और इसके अलावा अगर आने वाले समय की मैं बात करूं तो मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। तो अगर बारिश होती है तो फिर उसके लिए किस तरह से तैयारी है सरकार की? देखिए, हर साल कहा जाता है कि इस बार बजट आया है और बजट में इन सब परेशानियां जो हैं, सड़कें दुरुस्त की जाएंगी और ड्रेनेज को लेकर तमाम काम किए जाएंगे, लेकिन हर साल हालात जस के तस बने रहते हैं। इस तरह की तस्वीरें हर साल हमें देखने के लिए मिलती हैं, 4-5 घंटे की बारिश के बाद ही इस तरह के हालात बन जाते हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है। और नोएडा से मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, नोएडा में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लोग जो हैं पैदल ही पानी में उतरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन इतने पानी में खराब हो रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है?
बिल्कुल देखिए, लगातार नोएडा में कल से भीषण बारिश हो रही है और बारिश के बाद जलभराव की खबरें पूरे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो चारों तरफ से सामने आ रही है, जिसको लेकर के प्राधिकरण पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण पहले से मानसून की तैयारी नहीं करता है, ना ही बारिश की वो तैयारी करता है। जिस तरह से भीषण बारिश हुई है उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण रूप से पानी भरा है, उसके बाद लोग जो है दुपहिया वाहनों से पैदल नजर आए या कई लोगों की गाड़ियां वहां पर खराब नजर आई। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से कहा जा रहा है कि उन लोगों ने वहां पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या हुई है, पंप लगाए हुए पानी को लगातार निकाला जा रहा है। और इस मामले को लेकर के नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ रितुमारिश भाई है वो काफी गंभीर भी, उन्होंने कहा है कि क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी तब भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था और उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो अधिकारी इन चीजों में शामिल है उन इंजीनियरों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने की बात कह रही थी कि जिस तरह से वाटर लोगों की समस्या नोएडा में होती है, लेकिन वो समस्या जस की तस अभी भी बनी हुई है और कई जगह पर तो भीषण जो पानी है वो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल भूपेश, अगर देखा जाए तो नोएडा में जो सड़कें हैं वो हर बार दुरुस्त की जाती हैं और जरा से भी टूटती है फिर उसको दुरुस्त किया जाता है, लेकिन ड्रेनेज की जो सिस्टम है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसा दिल्ली में है। क्यों ऐसा हो रहा है जब इतना बजट आता है सड़कों को लेकर, इनके दुरुस्तीकरण को लेकर, फिर बार बार इस तरह की समस्या क्यों आती है? आप बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो नोएडा है इसको हाईटेक शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर है और इसको लेकर यहाँ लगातार विकास की बात भी होती है और विकास के दावे भी होते हैं, सड़कों की मरम्मत का कार्य चलता है और यहाँ की जो प्राधिकरण की सीओ है वो लगातार अधिकारियों जो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है अगर वो कहीं संलिप्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना विकास होने के बावजूद भी यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग है वो हर बार होता है, बारिश होती है जल भराव की समस्या हर बार होती है और इसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गाड़ियां खराब होती है। बिल्कुल भूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नोएडा की, दिल्ली की, मथुरा की, गाजियाबाद की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हालात बदतर हो चुके हैं। लगातार देर रात से बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से जगह जगह जाम की भी स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को इस्तीफा मांगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश से लगातार पुल टूट रहे हैं और बीजेपी के सीएम बदलने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में अब तक 32 पुल टूट चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश की नदियों में अवैध रूप से खनन हो रहा है, खनन से ही पुल कमजोर हो रहे हैं। नवीन पिरशाली ने कहा है कि पूर्व सीएम रावत के ओएसडी को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध खनन किया गया है। तो आपने सतपाल महाराज को इस्तीफा मांगा है, भारी बारिश से लगातार पुल टूट रहे हैं। उनका कहना है कि जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है, आम जनता की दिक्कतें बीजेपी को दिखाई नहीं दे रही हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी नहीं देख रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने सतपाल महाराज का इस्तीफा मांगा। वहीं सितारगंज के खटीमा ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधान संघ की बैठक में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की योजना बनाई जा रही थी। खटीमा में ग्राम प्रधान संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने की बात कही। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मेलन का कहना था कि प्रधानों के बजट को बढ़ाया जाए, साथ ही मानदेय भी बढ़ोतरी की जाए। वर्ग 4 और स्टाम्प पर विक्रय वाली भूमि पर भी इंदिरा आवास और अन्य योजना पहले की तरह ही संचालित की जाए। प्रधानों को पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। प्रधानों की बैठक चल ही रही थी कि पुलिस ने सभी प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया। इससे प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मल सहित करीब 70 ग्राम प्रधान शामिल थे। प्रधानों को गिरफ्तार कर सितारगंज कोतवाली लाया गया है। यहां प्रधानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधान संघ अध्यक्ष सम्मेलन का कहना है कि वो 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। मुख्यमंत्री से देहरादून में भी मिले, उनसे 2 बार के खटीमा भ्रमण के बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी। उनका कहना था कि आने वाले 20 अगस्त को प्रधान ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
संगठन लगातार 12 फीट की मांगों को लेकर 2 साल से प्रयासरत है और लगातार सरकार द्वारा हमको आश्वासन पे आश्वासन देते हुए विगत 2 वर्ष हो गए। नए मुख्यमंत्री माननीय रामी जी बने थे, हमको बहुत आशाएं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं उनके देहरादून कार्यालय और खटीमापुर में 2 बार आगमन पर मैं शिष्टमंडल के माध्यम से मिला था, लेकिन उनके द्वारा फिर भी हमारी मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए उनके आज 3रे कार्यक्रम में उनको पूर्व में अवगत करा दिया था कि यदि हमारी मांगों को आपके द्वारा 30 तारीख तक पूरा नहीं किया जाता है तो प्रधान संगठन 21 तारीख को काले झंडे दिखाएगा और कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ही हमको ब्लॉक सभागार में जब हमारी मीटिंग चल रही थी वहीं से ही हमको जबरन सर उनके द्वारा प्रशासन द्वारा पकड़ लिया गया और हमको पकड़कर सितारगंज कोतवाली लाया गया है। और हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी आने वाली 20 तारीख को हम प्रदेश के सारे ग्राम प्रधान, अपने ग्रामीण जनता जो उनकी जनमन समस्या अभी वर्तमान में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास आए हैं और ग्रामीण जनता को नहीं दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जिसके पास वर्ग 1 करोड़ की जमीन है उसी को हम आवाज देंगे, दूसरे व्यक्ति को आवाज नहीं देंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं। जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कपिल सिब्बल के घर पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेता शामिल हुए थे। इनमें से अधिकतर नेता प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हो सकता है कि सभी नेता प्रशांत किशोर का खुलकर विरोध करें। इस ग्रुप के नेता चुनाव से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए आउटसोर्सिंग से निराश हैं। हालांकि कुछ नेता प्रशांत किशोर के समर्थन में भी दिखे। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा है कि कांग्रेस 135 साल पुरानी संस्था है, ना कि कोई स्टार्टअप जहां कोई फैंसी विचारों के साथ आए और उसे शामिल कर लिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK स्टालिन या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के बिना उनकी रणनीति नहीं चल पाएगी। हमने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी प्रभावशालिता देखी थी जब उन्होंने कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए काम किया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव पर कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार सोमवार को G23 नेताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर बैठक की और प्रशांत किशोर को महासचिव पद पर नियुक्त करने के पार्टी के फैसले को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कपिल सिब्बल के अलावा गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी और अंबिका सोनी को प्रशांत किशोर पर पार्टी नेताओं के विचार के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा दाव खेला है। उन्होंने पार्टी में खुद के बाद एक महिला के तौर पर महासचिव सतीश चंद मिश्रा की पत्नी कल्पना को राजनीति में उतार दिया है। तो महासचिव सतीश चंद मिश्रा की पत्नी कल्पना को राजनीति में उतारने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मंगलवार को लखनऊ में कल्पना मिश्रा बसपा के महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लीड करती दिखी। इसके बाद सियासी गलियारे में कल्पना मिश्रा की सियासी एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई। कहा जा रहा है कि सतीश मिश्रा की पत्नी भी उनके साथ बसपा में शामिल हो चुकी हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा महासचिव सतीश चंद मिश्रा लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। वो यूपी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कानपुर के बिकरुकांड में आरोपी खुशी दुबे की रिहाई का भी मुद्दा उठाया। कल्पना मिश्रा ने भी लखनऊ में उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसे अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सतीश मिश्र लगातार उठा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में मायावती का बड़ा एक्सपेरिमेंट सियासी मैदान मिश्रा की पत्नी असम में विपक्षी दल और इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक फणधीर तालुकदार ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दावा किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के लोगों के व्यापक हित के लिए है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि पहली बार विधायक बने तालुकदार के बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा देने और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से AIUDF विधायी इकाई के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तालुकदार ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता और असम के लोगों के व्यापक हित में AIUDF पार्टी की अपनी प्राथमिकता सदस्यता भी छोड़ रहा हूं। तालुकदार ने 29 अगस्त को कहा था कि वो 1 सितंबर को बीजेपी में शामिल होंगे। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के AIUDF विधायक ने पिछले विधानसभा चुनावों में कई बार इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और असफल रहे थे। बाद में वो AIUDF में शामिल हो गए और इस साल चुनाव में उतरे। तालुकदार ने सत्तारूढ़ की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के उम्मीदवार रंजीत डेका को चुनाव में हराया, इससे वो AIUDF के इकलौते हिंदू विधायक बन गए। AIUDF के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी को तालुकदार का इस्तीफा मिल गया है। पार्टी के फिलहाल 16 विधायक हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर सिहानी गेट थाना क्षेत्र में 5 लोगों को करंट लगा, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। राकेश मार्ग पर दुकान में लगे 3 शेड के पोल में करंट आ रहा था। स्थानीय निवासी रोड पर पानी भर होने के कारण 3 शेड के नीचे से निकल रहे थे। 3 शेड के पोल में करंट आने के कारण 5 लोगों को करंट लगा। करंट लगने के बाद स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा होकर 5 को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ा हादसा और दुखद हादसा हुआ है गाजियाबाद में। आपको बता दें कि देर रात से ही बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में जलभराव की स्थिति सड़कों पर बनी हुई है। तो लोग सहारा ले रहे हैं पैदल चलने वाले किसी टीन शेड का, या फिर किसी फुटओवर ब्रिज के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही इन लोगों ने भी किया, ये सहारा ले रहे थे टीन शेड के नीचे खड़े हो गए, लेकिन उस टीन शेड वो लोहे का था और उसमें लगातार करंट दौड़ रहा था, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था। जैसे ये लोग वहां पहुंचे और इन्हें करंट लगा, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बावजूद बिजली डिपार्टमेंट ने कोई सूत नहीं ली, नंगे तार थे जो बिजली डिपार्टमेंट द्वारा गली के अंदर सप्लाई दी गई थी, उसका करंट उतरा और 5 लोगों की मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत ही दुखद घटना है, जलभराव की स्थिति सड़कों पर है, देर रात से बारिश हो रही है, वैसे ही लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस टीन शेड का सहारा ले रहे हैं वो उनकी मौत है। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी जितेंद्र, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। आपको बता दें गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा नियंत्रण कहा जा रहा था कि पोल पर करंट आया हुआ है। पोल पर करंट आने की वजह से एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है, जिसकी बच्ची की उम्र तकरीबन 3 वर्ष है और दूसरी बच्ची की उम्र लगभग 11 वर्ष है, की मौत हुई है। साथ ही साथ एक युवक की मौत हुई है। पहले इन 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद एक और युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग को लगातार शिकायत की जा रही थी कि विद्युत कर्मी यहां पर आए, जो नंगी तारे हैं उनको किस तरीके ढक दिया जाए, तारे बदली जाए, बावजूद इसके विद्युत विभाग बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। देखिए जितेंद्र, यहां पर लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, 4 लोगों की जान गई है, 1 की हालत गंभीर है, कहां है, कहां है अधिकारी, कहां मुंह छिपाए बैठे हैं अधिकारी? देखिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी दुखद घटना है। 5 अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों का खामियाजा जो परिवार को भुगतना पड़ा वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि विभाग ने पहले कार्रवाई अगर करी होती तो आज ये 5 लोग जीवित होते। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इन 5 लोगों की जान का आखिर जिम्मेदार कौन है? जो इनकी जान गई है, एक पूरा परिवार खत्म हो गया है, जो महिला है उसके 2 मासूम बच्चे हैं, 2 युवक है जिनकी मौत हुई है करंट लगने से मौत हुई है। हालांकि अब बिजली विभाग ने उस इलाके की पूरी तरीके से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है और अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पहले इन 5ों को सुदर्शन अस्पताल में भेजा गया था, जहां डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पहले ही कार्रवाई कर दी जाती तो आज ये 5ों लोग
जीवित होते। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन क्या इस पूरे मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि बार बार शिकायत कही जा रही थी कि उस टिन शेड में, उस पोल में करंट आ रहा है, उसके बाद भी बिजली नहीं काटी गई, उसके बाद भी देर रात से बारिश हो रही है, बिजली आ रही है और लोग फिर इसका शिकार हो गए हैं। जितेंद्र, क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? तो जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा हादसा, दुखद हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी कि यहां पर इस टिन शेड के नीचे इस पोल में करंट आ रहा है, लेकिन शायद विद्युत विभाग को इतना नहीं लगा, इतना उन्होंने नहीं सोचा कि यहां पर किसी की जान भी जा सकती है। अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी लापरवाही यहां बिजली विभाग की देखी जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।